हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहां पर बॉक्स ऑफिस के बारे में देते हैं, बिजनेस एनालिसिस के बारे में देते हैं, रिव्यूज करते हैं, उतनी सच्चाई से मेरे ख्याल से बहुत कम चैनल है जो ये करते हैं। तो जो लोग ये चैनल करते हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, हमें भी करें और पॉजिटिविटी को हमेशा जिंदा रखें। तो शाहरुख खान एक हॉट प्रॉपर्टी अपनी एक हॉट बॉडी के साथ अपनी नई नई मूवीज लेके आते चले जा रहे हैं। पहले पठान ने सुपर डुपर बिजनेस किया, 1000 करोड़ पार किए। मैंने वीडियो भी बनाया था कल, जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि ये सिर्फ 1050 नहीं है, और भी अगर हम देखें तो बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करा है। मोर देन 1400 करोड़ इस मूवी ने जनरेट करे। कैसे, उस वीडियो को जानना है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना और वहां पर देख लेना। बट आज हम बात करने वाले हैं कि जवान का बिजनेस एनालिसिस क्या है, कितने पैसे ये कमा सकती है रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर ये हिट हो जाती है, अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो रेड चिलीज को फायदा होगा नुकसान होगा, YRF को कितना पैसा मिलेगा, क्या शाहरुख खान ने जो फीस नहीं ली है उसको घाटा होगा नहीं होगा, ये सब चीजों के बारे में यहां पर बात करने वाले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद सर्टन अजम्पशंस, क्योंकि अभी तक इस मूवीज के सारे राइट्स बिके नहीं है, जिनमें जिस जिसके बिके हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो पहले ध्यान से नोट कर लीजिए या इसको बुक मार्क कर लीजिए वीडियो को, या फिर आप कहीं पेन पेपर पर लिख लीजिए। तो ये 200 करोड़ की लागत से बनी है, जिसके अंदर शाहरुख खान की कोई भी फीस नहीं है, पहले तो ये बात नोटिस कर लीजिए। फिर बहुत अच्छे जिनके साथ उनके साथ रिलेशन है, YRF खूब पैसे कमाए हैं दोनों ने मिलकर पठान के चलते, तो उनका जो अरेंजमेंट है वो मिनिमम 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग पे होगा। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है जो YRF कमाएगा फ्रॉम द थिएटर्स, नॉट नेसेसरी के थिएटर में कितना कमाया जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपए कमाए जा रहे हैं तो YRF का शेयर 50 होगा, तो 50 जो होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में से कोई शेयर जो होगा वो रेड चिलीज को मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो रेड चिलीज का और यहाँ पर YRF का जो अरेंजमेंट रहेगा वो भी प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर ही रहेगा। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग पे ज्यादा करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक मिनिमम गारंटी होगी YRF की, जिसके अंदर वो बोला जाएगा कि अगर इतना पैसा तो मुझे सिक्योर करके रखना है, विच इज बेसिकली फर्दर एफर्ट्स, स्वेट इक्विटी जिसे बोलते हैं। तो OTT यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर करीबन 100 करोड़ रुपए की ये मूवी बिक चुकी है, तो 100 तो घर पे आ गए, 150 करोड़ रुपए जी के पास हैं, जिन्होंने जी सैटेलाइट मतलब जी के पूरे नेटवर्क के ऊपर ये दिखाई जाएगी, यानी जी सिनेमा वगैरह के ऊपर। अगर हम बात करें म्यूजिक की, इन फ्लाइट की, और भी 50 जगहों पर ये मूवी जहाँ जहाँ बिकती है वो कम से कम 20-25 करोड़ रुपये वहाँ से आएंगे, तो 275 करोड़ रुपये उस मूवी के, जो कि 200 करोड़ रुपये में बनी है, तो 75 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर शाहरुख खान की फीस अज्यूम नहीं है, बट लेट से अगर शाहरुख खान करेगा भी तो करीबन 75-100 करोड़ रुपए से कम में तो करेगा नहीं, एक्चुअली 100 करोड़ से कम में करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है, अगर हम नोशनल फीस मान के चले शाहरुख खान की। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक और है कि यहाँ पर जो रेड चिलीज VFX है वो उनका घर का ही है, तो जो ये 200 करोड़ रुपए की मूवी बनी है ये एक्चुअली में 225 या 250 तक भी जा सकती है, अगर ये बाहर जाके VFX कराना होता, क्योंकि कैप्टिव कॉस्ट है इस वजह से ये 200 है। बाकी अगर हम बात करें कि डे वन में इसका क्या प्रोडिक्शन हो सकता है, तो डे वन का जो कलेक्शन है वो 75-100 करोड़ रुपए आज माना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी हो चुकी है जवान। वीकेंड का बिजनेस, अगर ये मूवी बहुत शानदार निकली तो ऑब्वियसली 3 सेंचुरीज तो लगेंगी, सैटरडे संडे मंडे 2 जून को ये रिलीज होती है अगर, तो 300 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप और मैं देखने गए और हमें बोला यार शाहरुख खान तो बढ़िया था, बट इतनी बढ़िया मूवी तो लगी नहीं है, तो बेकार वीकेंड भी जाता है तब भी 160 करोड़ रुपए के आसपास होगा, कि पहले हाइप की वजह से 100 करोड़ आ जाएगा, फिर 30-30 करोड़ रुपए अगर ऐड करें सैटरडे संडे का तो 160 करोड़ रुपए तो बनते हैं। अब अगर हम लाइफ टाइम बिजनेस की बात करें, अगर वीकेंड बिजनेस 300 करोड़ वाला जाता तो लाइफ टाइम तो कम से कम 1000 करोड़ होगा ही, और अगर बिल्कुल ही टाइम टाइम फेस हो गया तो 200 करोड़ तो होगा ही। अगर बोला ओके ठीक है या पहले भी ऐसी पिक्चर देख रहे हैं तो 400 करोड़ तो होगा। ये 3 सिनेरियो लेके चलते हो फिर आगे समझते हैं। अगर लाइफ टाइम बिजनेस होता 1000 करोड़ रुपये और ये वैसी ही मूवी है जिस तरीके से ब्लॉकबस्टर लुक है, जिस तरीके से ब्लॉकबस्टर अभी तक एक गाना जो लीक हुआ है, जिस तरीके से इसका टीजर ब्लॉकबस्टर है, प्रमोशन भी इस तरीके से जान के कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, सब कुछ ब्लॉकबस्टर की जोन के अंदर जा रहा है, तो 1000 करोड़ अगर करती है तो YRF को टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस एग्जीबिटर 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसके अंदर से शेयर कुछ मिलेगा
अपना कुछ रिजर्व जो एमजी मैंने आपको बताया मिनिमम गारंटी रखने के बाद रेड चिलीज को, ठीक है। अगर वायरएफ का ये जो मूवी है यूसी की हो जाएगी, फिर 200 करोड़ करती है तो लगभग उसके जेब में 100 करोड़ रुपए आएंगे। 400 करोड़ रुपए अगर थिएटर में करती हो तो 200 करोड़ आएंगे, जिसमें से उसको प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करनी होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से वायरएफ ने 200 करोड़ रुपए मान लीजिए कमा ली, क्योंकि 400 करोड़ रुपए मूवी कर पाई, तो 100 करोड़ रुपए वो हो गए और 75 करोड़ रुपए जो उसने पहले कमा लिए थे क्योंकि उसने ओटीटी पे बेच दिए, तो 175 करोड़ रुपए होते हैं। 175 करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया, अगर हम शाहरुख खान की 100 करोड़ रुपए की फीस अज्यूम कर ले तो 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फिर भी होगा लगभग वायरएफ को, तो अपना 100 करोड़ रुपए मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे, साथ में रेड चिलीज का भी प्रॉफिट होगा। तो इसमें मूवी के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आप निकाल के चल रहे हैं, 200 करोड़ रुपए भी लगा के चल रहे हैं जो कि इजीली हो जाएगा, 400 करोड़ भी मान के चल रहे हैं क्योंकि ये मूवी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया से बाहर भी कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है इंडिया की, तो किसी भी हालत में कोई भी बंदा इसके अंदर पैसे लूज नहीं करने वाला है। पहले दिन ही पैसे ही पैसे हैं, बस बरसात ही हो रही है यहाँ पर, मैं दिखा नहीं सकता कैसे गिर रहे होंगे छप्पड़ फाड़ के, बट उनके घरों में तो छप्पड़ फाड़ के गिर ही रहे होंगे। बट ये मूवी जिस तरीके से अटली बना रहे हैं और अटली जिस तरीके से समझदार डायरेक्टर हैं, आइडली स्पीकिंग लाइफ टाइम बिजनेस का 1000 करोड़ रुपये मिनिमम होगा, जिसकी वजह से वायरएफ को 500 करोड़ रुपये मिलेंगे। 100 करोड़ रुपये अगर रिजर्व में रख लें जो उनका एमजी होगा, तो 200 करोड़ रुपये लगभग वो शेयर करेगा रेड चिली के साथ, मेरा ऐसा मानना है। 75 करोड़ रुपये पहले से वो कमा चुके होंगे, तो करीबन 275 करोड़ रुपए के आसपास रेड चिलीज इस मूवी के ऊपर कमाएगा। तो यानी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल के 275 रुपए कमाएगा, तो आप लगा ही सकते हैं कितने टाइम्स प्रॉफिट होता है। लगभग 3 times प्रॉफिट आप मान के चल सकते हैं कि उनको ये 300% मान के चल सकते, 3 times नहीं 300% उनको रिटर्न मिल गया, विच इज़ अ गुड रिटर्न। और सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत जगहों पर पिक्चरें बिकती हैं, उसमें भी शेयर्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक वेंचर साबित होगा ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, कई सारे करोड़िए लेके आने वाला है, जिससे एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूजिक, ये वो OTT सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे। सो ये काफ़ी बड़ी मूवी होने वाली है। आपका क्या विचार है इसके बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।